मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ में फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। इंस्टीट्यूट से 8000 लोगों को स्वरोजगार व उद्योग के लिए किया जाएगा तैयार। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने जींद में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, इनेलो पार्टी का चुनाव चिन्ह अभय सिंह चौटाला को मुबारक। 9 दिसंबर को करेंगे नई पार्टी का ऐलान। पुलिस महानिदेशक बी एस संधू ने पलवल में CIA पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। बोले, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को दूर करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। और सिरसा में 4 दिवसीय श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव आज से शुरू। महोत्सव में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और उद्योग मंत्री विपुल गोयल हुए शामिल। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बहादुरगढ़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट में जूता उद्योग के लिए नए डिजाइन, नए प्रोजेक्ट और कुशल श्रमिक तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट से 8000 लोगों को स्वरोजगार तथा उद्योग के लिए तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरखौदा में विश्व का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि 900 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ के फुटवेयर पार्क में बने FDI संस्थान के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया। उन्होंने फायर ब्रिगेड के बेड़े में 4 नई गाड़ियां देने के अलावा फायर ब्रिगेड का नया भवन बनाने की मंजूरी भी दी है। उद्योग और खास करके उसमें भी लघु उद्योग, इसकी और रुझान लोगों का भी बढ़ा है, हम भी उसको प्रमोट करना चाहते हैं। उस नाते से इस फुटवेयर पार्क का जो क्लस्टर का आज ये नया भवन तैयार हुआ है, नया क्लस्टर जो बना है, इसका उद्घाटन हुआ है। मैं इसमें सभी जो हमारे फुटवेयर से संबंधित उद्योगपति हैं सबको बधाई। खरखौदा के अंदर हम 900 एकड़ के अंदर विश्व का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनाने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और जूता पहनना, जितना सामान्य व्यक्ति शायद एक ही जोड़ा पहनता होगा, लेकिन बहुत लोग तो 2, 3, 4 दस भी पहनते हैं, तो इसलिए बहुत करोड़ों पेयर्स जो ये जूतों के बनाते हैं वो एक सेवा अच्छी करते हैं, इसलिए बड़ा उद्योग, बड़ी आबादी। और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने आज जींद में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में सांसद दुष्यंत चौटाला को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी अभय सिंह चौटाला को मुबारक हो। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वे अगले महीने की 9 तारीख को जींद के हुडा मैदान में प्रदेश स्तरीय रैली कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका गठन उन्होंने खुद किया था। उन्होंने कहा कि यह संगठन छात्र हित में कार्य करता रहेगा। और अपने इस्तीफे सौंप देने का काम किया और वहां पर ये मुझे अथोराइज किया कि जो निर्णय आप करेंगे वो सर्वमान्य होगा। मैं 20 तारीख को वापस जाऊंगा, ये सारे इस्तीफे लेकर के जाऊंगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप देगा। उनको कहूंगा कि पार्टी तो ये है, वो चंडीगढ़ में बैठ करके जो मीडिया के जरिए 4 फोटो खिंचवा करके 10 MLAs को इन्वर्टेल में बंधुआ बना करके जो काम कर रहे हैं वो पार्टी के तोड़ने वाले लोग हैं, नाश करने वाले लोग हैं। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के बड़े भाई श्याम सुंदर अरोड़ा का कल रात निधन हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 पर दुपहिया वाहन पर सवारी के दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह उनके आवास पर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। भारतीय विज्ञापन की दुनिया के जनक एलेक पदमसी का आज मुंबई में निधन हो गया। 90 वर्षीय श्री पदमसी कुछ समय से बीमार चल रहे थे।
विज्ञापन उद्योग में सक्रिय रहने के दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित और यादगार विज्ञापनों के निर्माण में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। श्री पदमसी वर्ष 1982 की ऐतिहासिक फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। विज्ञापन की दुनिया में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया था और मुंबई के द एडवर्टाइजिंग क्लब ने श्री पदमसी को एडवर्टाइजिंग मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात एड गुरु अलेक पदमसी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 1000 से अधिक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबंध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इन अदालतों के गठन पर 767 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पहले चरण में 9 राज्यों में 777 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी और दूसरे चरण में शेष 246 अदालतों का गठन किया जाएगा। पलवल जिले में आज हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बलजीत सिंह संधू ने 1.5 एकड़ में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने CIA पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। भवन का निर्माण कार्य 16 महीने में पूरा किया गया है। इस पुलिस स्टेशन की स्थापना से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक बलजीत सिंह संधू ने कहा कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए 7,500 कर्मचारियों की भर्ती दिसंबर माह से शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा 800 के करीब नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में भी 20 गाड़ियां भेजी जाएंगी। महानिदेशक ने कहा कि अगले एक साल में जिले में फोर्स की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना प्राथमिकता है। सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों की भागीदारी से अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को दूर करने के लिए तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कि हरियाणा पुलिस में स्टाफ की कमी है, 7,500 लोगों की भर्ती अगले महीने से दिसंबर से शुरू हो गई है। पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं 400 मेल और 63 फीमेल सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं 463 और 7200 के करीब सिपाही भर्ती कर रहे हैं सर, जो कि जनवरी के महीने तक जो है वो भर्ती हो जाएंगे। वो जो 7,500 आदमी भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो जो कमी है यहाँ पे पुलिस, यहाँ नहीं सब जिलों में कईयों में कमी है, तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। गाड़ियाँ भी हम करीब 800 के करीब नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं पुलिस स्टेशन में। 2 नई गाड़ियाँ PCR की दे रहे हैं। कितने पुलिस स्टेशन तो 16 गाड़ियाँ नई विदिन 2-3 महीने में आ जाएंगी जी। पलवल के लिए 16-20 के करीब नई गाड़ियाँ पलवल के लिए आएंगी। और फोर्स भी है, आने वाले एक साल के अंदर जो फोर्स की कमी है उसको पूरा करेंगे। सिरसा में आज से 4 दिवसीय श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने किया। महोत्सव में उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भक्तों को संबोधित करते हुए महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मंजीरा बजाया और भजन भी गाया। जिनको ये वरदान था कि दो ही मानों से तीनों लोगों को समाप्त कर सकते हैं, जिनकी कृपा से आज पूरा ब्रह्मांड थमा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है और चुनाव के लिए हमेशा से तैयार है। सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार बनाएंगे। कोई किसी तरीके का गठबंधन हम क्यों करेंगे, वो लोग भी ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी जोड़ है। चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता नहीं है, कार्यकर्ता, हमेशा रोड पे रहते हैं और हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कल शाम से 2 महीने के लिए सबरीमला मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इससे पहले रात से ही वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर को अपने फैसले में कहा था कि सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए।
इसी बीच केरल उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रेहाना ने 19 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हंसराज हंस ने कल पंचकुला में नगर निगम के 50 से अधिक कर्मचारियों को सुरक्षित किट तथा सफाई कर्मचारियों के 5 बच्चों को शिक्षा में अव्वल आने पर 1,55,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। बैठक में हंसराज हंस ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना। नगर निगम के आयुक्त ने सफाई के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और शहर में सफाई की दिशा में की जा रही व्यापक व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए चलाई जा रही सांस्कृतिक गतिविधियों, ऐतिहासिक स्थलों और पार्कों को विस्तार पूर्वक दिखाया। इसके अलावा उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाले आशियाना योजना और चेंजिंग रूम के बारे में भी जानकारी दी। आयोग के उपाध्यक्ष ने ये कहा कि उन्होंने देश के कई शहरों का दौरा कर सफाई अभियान की समीक्षा की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां पाई गई हैं। लेकिन पंचकुला नगर निगम ने इस दिशा में बहुत अच्छी पहल की है। जॉब मिले कि सिंगल मैन सारे डिस्कस सुनिया गल्ला बातें, पर ये पहला शहर है जिससे बहुत पॉजिटिव और अच्छी खबरें मिली। ऑलरेडी बहुत ध्यान रखे जा रहे। दिशा निर्देश ये है कि जिहड़े लोग सफाई का काम करते हैं, सब तो मुश्किल जॉब करते हैं, उनकी सैलरी रोजाना उन्होंने प्रॉपर मिलना चाहिए। दूसरा उन्होंने पक्या होना चाहिए। तीसरा ठेकेदारी तो अगर जान छुट जाए तो बहुत अच्छा है जी। तीसरा अगर सीवर खुदा ना खासतौर रब ना करे कोई डेथ होंगी, उसका पूरा कंपनसेशन जॉब और सारा अब्बल तो ये जरा मैनुअली होना नहीं चाहिए। मैकनाइज सारा बहुत मशीन ही काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वर्ष 2010 के बाद पहली बार आईसीसी महिला विश्व टी20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का सामना आज अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया के लिए ये अभी तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। भारत के लिए इस मैच में हार उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि लगातार 3 मैच जीतकर वो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन सेमीफाइनल में मनोबल के लिए हरमनप्रीत कौर की टीम को जीत जरूरी है। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड, दूसरे मैच में पाकिस्तान और तीसरे मैच में आयरलैंड को मात देकर जीत की हैट्रिक लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैचों में 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान को हासिल करना जरूरी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ में फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। इंस्टीट्यूट से 8,000 लोगों को स्वरोजगार व उद्योग के लिए किया जाएगा तैयार। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने जींद में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले इनेलो पार्टी का चुनाव चिन्ह अभय सिंह चौटाला को मुबारक। 9 दिसंबर को करेंगे नई पार्टी का ऐलान। पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने पलवल में सीआईए पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। बोले महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को दूर करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। और सिरसा में 4 दिवसीय श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव आज से शुरू। महोत्सव में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और उद्योग मंत्री विपुल गोयल हुए शामिल। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।